खाली घर में दाखिल होते हुए सलाम करने से डर नहीं लगता साहब, आगे से जवाब आने से डर लगता है। 13 साल बाद केस खत्म होने पर बुजुर्ग साहिल ने जज को दुआ दी, अल्लाह तुझे तरक्की दे और थानेदार बनाए। जज ने बुजुर्ग की सादगी पर मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गो जज थानेदार से बड़ा होता है। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, थानेदार बड़ा होता है। जज, बुजुर्गो वो कैसे? बुजुर्ग बोले, आपको केस खत्म करने में 13 साल लगे। थानेदार ने शुरू में ही बोल दिया था कि 5,000 रुपए दे दो, मामला अभी खत्म करवा देता हूँ। इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं और जानवरों के भी। अगर सब्जियों फलों के भी डॉक्टर्स होते तो शायद लंगड़ा आम आज अपने पैरों पे चल रहा होता। एक औरत अपने शोहर के जनाजे में रो रही थी और साथ कहती जा रही थी, सरताज क्यों मुझे तनहा छोड़कर इस दुनिया से चले गए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। एक शख्स जो जनाजे में शरीक था ये सुनकर बहुत उदास हो गया और अपने दोस्त से कहने लगा, काश इस औरत का मुझे कुछ अता पता होता तो मैं इसके पास शादी का इनविटेशन लेकर जाता, शायद इसका गम इस तरह कुछ कम हो जाता। औरत ने ये बात सुन ली और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, सरताज क्यों तुम मुझे गली नंबर 6 मकान नंबर 40 एवान टाउन ब्लॉक बी में तनहा छोड़कर चले गए। बस में एक लड़की खड़ी थी, एक बच्चे ने इसे मासूमियत से कहा, आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। लड़की ने बच्चे की तरफ गजबनाक आंखों से देखा और एक थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया। बच्चे ने रोते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं, और फिर वापस अपने वालिद की गोद में बैठ गया।